विराट तू इसे ऐसे कैसे विनायक को ले जाने दे सकता है? विनायक को तो मैं लेकर जाऊंगी। अब इतना कुछ हो ही गया है तो भले ही ये रिश्ता क्यों ना टूट जाए। सही क्या बोल रही हो? आई से जो समझना समझे, लेकिन अगर इसने एक कदम बाहर रखा मैं इसके तरफ मुड़ कर देखूंगा भी नहीं, कभी नहीं। और मैं और विनायक इस घर में वापस कभी लौट कर नहीं आएंगे। नहीं काकू, रहने दीजिए। आज इसे तय करने दीजिए कि इसे मेरे साथ रिश्ता रखना है या नहीं। तेरा दिमाग तो ठीक है, मेरा पोता है इसके पास, जाना है ना, जाओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। और पलट के कभी नहीं देखूंगी। मैं भी नहीं बुलाऊंगा। खुद से भी ज्यादा अब कभी ना करना कोई और वादा। आंखों के सागर अब ना सूखेंगे, कसम है हमें अब हम कभी ना मिलेंगे। गुम है किसी के प्यार में, गुम है किसी के प्यार में। आप सब चले जाओ यहां से, मैं किसी को भी उसके पीछे नहीं जाने देने वाला हूं। समझे? कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। तेरी थी दस्तूर है क्यों अपना मिलके बिछड़ना, रिश्ते पे खुद के क्यों ना यकीन करना। भूल जाना तुम भी हमको, गुम है किसी के प्यार में, हो बस स्टॉप ले लीजिए। मेरे हाथ में कल तक तेरा हाथ था, मेरे दिल में धड़कन कल तक तेरी थी पे खुद के क्यों ना यकीन करना। मुड़ के
जाना तुम भी हमको, कौन है किसी के प्यार में। मैं और विनायक इस घर में वापस कभी लौट कर नहीं आएंगे। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है बेटा, चली गई सब कुछ। समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। तुम दोनों का प्यार एक पल में दुश्मनी में बदल गया। और विराट, इस सब का असर सिर्फ तुम दोनों पर नहीं, हम सब पर पड़ा है। तुम दोनों के झगड़े की वजह से वो नन्ही सी जान, हमारा विनायक, हम सबसे दूर चला गया। सही को इस तरह नहीं चले जाना चाहिए था, तुम्हें उसे रोकना चाहिए था ना गुड़ू। तुमने भी नहीं रोका उसे, चली गई वो। मैं भी बहुत नाराज हूँ उससे, इतना बड़ा फैसला लिया उसने लेकिन किसी के बारे में नहीं सोचा उसने। हाँ तो इसमें कौन सी नई बात है, उसने कभी किसी के बारे में परवाह की है। लेकिन मेरा तूने सही नहीं किया, मेरा मन कर रहा था कि सही को खींच कर दहलीज के इस पार ले आऊं, लेकिन तूने मुझे रोक लिया। क्यों? जब रिश्ता ही खत्म हो गया हो, सही को रोकने का फायदा क्या था? पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो सकता है, लेकिन एक बच्चे का उसके परिवार के साथ रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। तेरा तेरे बेटे के साथ, हमारा हमारे पोते के साथ रिश्ता खत्म हो गया क्या? सही का फोन। मैंने सारे रिश्ते तोड़ दिए उषा मौसी, और मैं विनायक को भी अपने साथ ले आई। आपने मुझे पालने में आबा की जैसे मदद की थी, क्या विनायक को पालने में भी मेरी मदद करेंगी? तेरा बच्चा मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है सही, उसे पालना तो मेरी खुशकिस्मती होगी। तेरे बाबा के इतने एहसान है मुझ पर, तेरे लिए और कमल दादा के लिए मैं कुछ भी करूंगी। लेकिन सही, ऐसे अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़ के आना सही नहीं है। तुझे तेरे घर तेरे परिवार को ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था बेटा, और अब तो तू एक आई भी बन गई है। तुझे तेरे बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना होगा। नहीं, तेरे हर फैसले का असर तेरे बच्चे पर भी होगा। अब तू अकेली नहीं है सही, अब तुम अकेले नहीं हो, एक बच्चे के पिता हो तुम। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले तुम्हें अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा। देखो बेटा, सही चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, तुम्हें उसे वापस घर लाना होगा। वो बच्चा कैसे रहेगा, कितना छोटा है विनायक। हाँ, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम उसे वापस बुला सकते हो। बच्चे के लिए फोन करो उसे। हाँ।